हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीलेश और मैं आप सबका स्टडी शॉप 360 में स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नंबर सीरीज़ के जो प्रॉब्लम्स है उसे वो कैसे हल करने हैं। इसमें मैं नंबर सीरीज़ के ईजी से लेकर हाई लेवल तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स कवर कर चुका हूँ। लगभग सभी टॉपिक इसमें कवर हुए हैं, पैटर्न सभी नंबर सीरीज के। और आखिरी के जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े हाई लेवल के हैं, शुरुआत के बेसिक लेवल के। तो जो रॉन्ग नंबर सीरीज है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स फ़िलहाल आमतौर पर एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें क्या होता है, सीरीज़ में जो रॉन्ग नंबर होता है वो आपको ढूंढना होता है और वो जो ऑप्शंस में होता है वो टिक करना होता है। ओके, तो अगर आप इस सीरीज़ को देखें तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये नज़दीक नज़दीक के नंबर है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं रही है, डिवीजन तो हो नहीं रही है। तो क्या करेंगे आप, इसका डिफरेंस निकाल लीजिए तो क्या आएगा, 4, 5, 6, 4, 5, 6, फिर 7 आना चाहिए, पर यहाँ पर कितना 6 ही आ रहा है, फिर आगे कितना आ रहा है, 9, और फिर आगे वापस 9। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है, पर 6 के बाद अगर आप यहाँ पर 7 लेते तो यहाँ पर 9 की जगह 8 आता, क्योंकि ये नंबर अगर एक ज़्यादा लेते, अगर 29 लेते तो उसमें अगर 8 ऐड करते आप तो 37 हो जाता, तो फिर ये जो सीरीज़ है वो बिल्कुल सही हो जाती। तो इस हिसाब से हमें ये पता चल गया कि ये जो 28 है वो रॉन्ग नंबर है। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस के हिसाब से हम चल रहे 4, 5, 6, फिर 6, फिर 9, तो जहाँ से गड़बड़ होती है, मीन्स जहाँ से सीरीज रॉन्ग होती है वही आपको रॉन्ग नंबर पकड़ के चलना है, नहीं तो फिर आप गलती से 37 को टिक लगा दोगे तो फंस जाओगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 28, यहाँ पर 29 होना चाहिए था 28 की जगह पर। ओके, अभी ये सीरीज़ देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी कोई मल्टीप्लिकेशन वाला केस नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादा बढ़ नहीं रही है वैल्यूज़। तो क्या होगा, डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा, 24 जो प्लस 24 हो रहा है, फिर यहाँ पर भी प्लस 24 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस 24 हो रहा है, फिर इसका डिफरेंस देखिए तो प्लस 22 हो रहा है। और अगर ये प्लस 22 हो रहा है तो फिर आगे 24 और 2 26, मीन्स अगर प्लस 26 हो रहा है तो ये सही लॉजिक है, तो 120 और 26 146 होता है, मीन्स ये वाला लॉजिक प्लस 24 वाला बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या कहाँ से सीरीज गलत हुई, तो 120 से यहाँ तक बिल्कुल सही था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 120, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 122 होना चाहिए था। ओके, पर ये ध्यान में रखिए कि 122 होना चाहिए था, तो गलती से अगर ऑप्शन में 122 भी दिया हो तो वो आपको टिक नहीं करना है। जो रॉन्ग नंबर है, मीन्स आपको वैसा दिया जाता है क्वेश्चन में कि फाइंड आउट रॉन्ग नंबर। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये तो बहुत ही आसान थे, ये तो कोई भी कर लेगा। ये प्रॉब्लम देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, यहाँ पे डिफरेंस वाली सीरीज है, मीन्स कम कम हो रहा है नंबर, तो कितना कम हो रहा है ये आप देख लीजिए, तो यहाँ से कम हो रहा है, मीन्स यहाँ से बढ़ रहा है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं 77 में से घटा दोगे तो कितना मिलेगा, 19,
फिर यहाँ पर वापिस 19, फिर यहाँ पर 15 और ये 4 वापिस 19, मीन्स 19 19 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी 19, यहाँ पर भी 19 होना चाहिए। 115 और 19, 125, 134, मीन्स यहाँ तक सही है। ओके, पर इसके बाद अगर हम देखें तो 134 और 19 कितना होता है, 153 होता है, पर 157 दिया गया है यहाँ पर। तो ये जो पहला नंबर है वही आपका रॉन्ग नंबर है। तो इसका क्या आंसर होगा, 157। ओके, अब ये अगली सीरीज देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर बढ़ते जा रहे हैं, पर लगातार अंतराल से बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन वाला केस तो नहीं होगा। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं हम 6, फिर 6 के बाद यहाँ पर 11, यहाँ पर तो कोई लॉजिक मिल नहीं रहा 6 11, फिर भी डिफरेंस निकाल लेंगे हम 19, फिर क्या 24 और यहाँ पर 30। तो 6 11 19 24 30, इससे कोई लॉजिक नहीं मिल रहा। पर अगर आप देखे देखिए तो ये यहाँ पर 24 और 30 से आपको क्या पता चल रहा है, 6 इंटू 1, फिर ये 6 इंटू 4 और यहाँ पर 6 इंटू 5। तो यहाँ पर 6 इंटू 2 और 6 इंटू 3 होना चाहिए था, मीन्स यहाँ पर अगर 12 होते तो यहाँ पर एक कम होता, मीन्स इसमें अगर एक बढ़ेगा तो इसमें से एक घटेगा, मीन्स 18 होता। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 27 तक तो ठीक था, 6 से बढ़ रहा था, पर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हमारी सीरीज़ गलत हुई। तो यहाँ पर अगर 39 होता तो 39 और 18 57, तो हमारी ये सीरीज़ सही हो जाती। तो रॉन्ग नंबर कौन सा है, तो वो है 38। तो आप क्या करोगे, 38 को टिक करोगे और आगे चलोगे, और 38 अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर नन ऑफ दिस दिया रहेगा। ओके, अब ये अगली वाली सीरीज देखिए, इसमें क्या दिया गया है, तो नंबर जो है वो कम होते जा रहे हैं, थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं। तो ये डिवीजन वाला केस हो सकता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक नंबर इसमें से माइनस किया है। तो क्या करोगे, 41 इंटू 4 अगर करोगे तो 164 और माइनस 11, फिर इसमें से माइनस इंटू 1 इंटू 2, तो मल्टीप्लिकेशन वाला केस तो नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, डिफरेंस ही निकाल लो। तो डिफरेंस निकाल लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा -7, 7 से कम हो रहा है, फिर ये -14, हाँ तो -14, 7 -14, फिर -21 आना चाहिए, पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 28, -28। तो 7 इंटू, ये कैसा केस हुआ, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, फिर 7 इंटू 4, फिर 7 इंटू 8 आना चाहिए, और फिर 7 इंटू 16। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पर -56 और -112 इतना डिफरेंस होना चाहिए। तो फिर यहाँ तक तो ठीक था, इसमें से अगर 56 घटा देंगे तो क्या आएगा, 153, मीन्स ये वाला केस भी सही है। और 153 में से अगर आप 112 माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपको आपके पास आंसर 41, मीन्स ये भी सही है। तो अगर आप देखें तो इसमें कोई भी रॉन्ग नंबर नहीं है, ये सब के सब सही है। तो इसका क्या होगा आंसर, ऑल आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट, ये इसका सही जवाब होगा। ओके,
अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करवा दूंगा। या फिर अगर आपके पास इस तरह के और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी जो है वो आपको अबाउट में मिल जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो कितना बढ़ते जा रहे हैं, अगर 28, फिर अगर आप मल्टीप्लिकेशन वाले में तो अपनाओगे तो ×2 + 7, फिर यहाँ पर तो डायरेक्ट ×2 हो रहा है, फिर यहाँ पर ×2 से भी कम हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला केस यहाँ पर नहीं लगेगा। अगर डिफरेंस लोगे तो 30, 34, 35, फिर आगे क्या आएगा 63, फिर आगे क्या आएगा 70, 80, 85, 89, यहाँ से भी हमें कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो फिर अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको क्यूब पता होगे, और क्यूब तो पता ही होना ही चाहिए, अगर कम से कम 20-25 तक के अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको क्या पता चलेगा, ये 3 के स्क्वायर से नज़दीक है, ये 4 के स्क्वायर के नज़दीक है, या 5 के स्क्वायर के नज़दीक है। 6 का स्क्वायर क्यूब होता है 216, 7 का 343, 8 का 512, तो ये 8 का क्यूब तो है, पर ये बाकी के उससे नज़दीक है क्यूब के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3³ + 1 = 28, फिर 4³ - 1 हो रहा है, फिर 5³ + 1, यहाँ पर यहाँ तक तो ठीक है, फिर आगे 6³ - 1 होना चाहिए, तो 216 - 1 215, ये भी सही है। फिर 7³, फिर माइ प्लस माइनस, तो +1 होना चाहिए। 7 का क्यूब होता है 343, +1 344, ये भी बराबर है। पर आगे अगर आप 8 का क्यूब फिर -1 करोगे तो 8 का क्यूब होता है 512, पर यहाँ पर तो डायरेक्ट 512 दिया है, इसमें से एक घटाना भी तो पड़ेगा, तो ये 512 क्या है, ये गलत नंबर है। तो ये आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए एग्ज़ाम के वक्त। प्रैक्टिस के वक्त हालांकि आप अलग अलग मेथड देखिए कि ये किसी और तरीके से भी इससे जल्दी निकाला जा सकता है क्या, पर एग्ज़ाम में तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्यूब वाला सीरीज़ है, और प्रीलिम में तो इस तरह के आसान से प्रॉब्लम्स पूछे ही जाते हैं। ओके, तो ये सब क्यूब में से एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, मींस जो इवन डिजिट का क्यूब है उसमें से माइनस हो रहा है, और ऑड डिजिट के क्यूब में से प्लस हो रहा है, तो 512 एग्जैक्ट क्यूब है, तो ये हमारा रॉन्ग नंबर हो गया। पर इसमें तो 512 ऑप्शन में दिया गया है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, नन ऑफ दिस को टिक करोगे और आगे चलोगे। ओके, उसी तरह ये अगला वाला प्रॉब्लम देखिए, 8 फिर 25 फिर 77, 233, तो ये बढ़ता जा रहा है और बड़े मार्जिन से बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे भी आप देखोगे कि ये बढ़ते जा रहा है, और फिर ये बहुत बढ़ते जा रहा है, तो फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाला ही सीरीज़ होता है, अगर ऐसे ज़्यादा बढ़ते जा रहा हो तो। इसमें आपको कोई डिफरेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सीधा देखिए कि ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 × 3 = 24 होता है, पर ये 25 है तो मीन्स +1, फिर 25 × 2, नहीं 25 × 3 75 + 2, ये 77 है, तो ×3 + 2 हो रहा है, तो फिर ये यहाँ पर ×3 + 3 हो तो आगे 4 5 होना चाहिए, और ×3 + 4 हो तो आगे 8 16 ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ×3 + 7
77 इंटू थ्री अगर आप करोगे तो 70 इंटू तीन 210 और 7 × 21 तो क्या आएगा, 231 आएगा। फिर उसमें अगर तीन ऐड करोगे तो 234 आएगा, अगर चार ऐड करोगे तो 235 आएगा। तो ये नंबर जो है वो गलत है, ये आपको यहीं पर पता चल गया। ओके, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो अगले नंबर चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर आप क्या करोगे, अगर ये आप ही क्या आएगा 234 आएगा या फिर 235 आएगा, पर ये क्या आएगा उससे हमें लेना देना है ही नहीं, डायरेक्ट सीधा कौन सा रॉन्ग नंबर है वो टिक करके आगे चलना है हमें। पर अगर आपको जानना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर सही होता है तो क्या करेंगे आप, 234 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, फिर वो क्या आएगा इंटू थ्री, अगर इसमें करेंगे तो 4 × 3 = 12, 2 × 0 = 6 और 1 = 7, 702 आएगा। और फिर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, इस इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस फोर और इंटू थ्री प्लस फाइव, ये नंबर है ये इस सीरीज़ में। अगर ये 235 होता तो फिर इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते तो फिर ये 705 आता। फिर उसमें आपको 8 ऐड करना पड़ता तो फिर ये 713 आता। ये मीन्स आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर 234 होना चाहिए था। पर हमको तो वैसा तो एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं जाता है, पर आपको पता होना चाहिए इसलिए आप निकाल के देखिए प्रैक्टिस के वक्त। पर एग्ज़ाम में ये सब करते नहीं बैठना है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट जहाँ से आपको पता चले चल जा रहता है कि ये रॉन्ग नंबर है वहीं से ही डायरेक्ट टिक कीजिए और आगे चलिए। ओके, तो ये अगला नंबर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 माइनस हो रहा है, फिर आगे और कुछ बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला है कैसे। तो यहाँ पे क्या है, 14 × 1 - 1 अगर करोगे तो ये आपको मिलेगा। फिर यहाँ से अगर × 1 + 11 तो करोगे नहीं, फिर × 2 ही करना पड़ेगा, × 2 - 2 तो मिल गया। फिर आगे × 3 - 3 करना पड़ेगा, 1 2 1 2, × 3 - 3 अगर करोगे तो 24 × 3 = 72, 72 - 3 = 69, ये भी सही है। फिर आगे × 4 - 4, 69 × 4 मीन्स 70 × 4 अगर करोगे तो 280 - 4 276, और उसमें से भी 4 माइनस करोगे तो 272 आना चाहिए था, पर 268 आ गया है। तो 268 हमें मिल गया कि यह गलत है। फिर क्या होना चाहिए था, 272। फिर इसमें × 5 - 5 अगर करोगे तो, या ये अगर आता है तो फिर सही है। अगर आपके पास वक्त है तो फिर चेक करके देख लीजिए, अगर वक्त कम बचा है तो फिर डायरेक्ट टिक कीजिए और आगे चलिए, अगर आपको कंफर्म आंसर लग रहा है तो। 272 को × 5 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, × 10/2 कर लीजिए, फिर यह आ जाएगा 1360 आ जाएगा। फिर उसमें से 5 घटाओगे तो 1355, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। तो मीन्स 268 ही हमारा रॉन्ग नंबर है। ओके, अब ये अगला वाला केस देखिए, 1 3 6 18 36, 108 और 202। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है,
क्योंकि ये छोटे नंबर है, फिर बड़ा नंबर आता है तो फिर ये दुगना होता है, तो फिर आपको ये पता चल ही रहा है कि ये बढ़ रहा है, तो फिर ये कौन सा केस है, ये इंटू 1+2 हो सकता है, 1 से 3, या फिर इंटू 2+1 होता है हो सकता है, या फिर इंटू 3 हो सकता है, इंटू 4-1 हो सकता है, पर ये तो आएगा नहीं क्योंकि आगे इंटू 4 इंटू 5 या फिर इंटू 3 इंटू 2 ऐसा होगा नहीं, हो नहीं रहा है। तो फिर इसमें क्या होगा, इंटू 1+2 अगर आप लेते हो तो फिर ये आप क्या आएगा, इंटू 2+2 या फिर इंटू 2+3, पर यहाँ पर भी ये नहीं आ रहा है। इंटू 2+1 अगर लेते हो तो फिर आगे इंटू 2+1 नहीं आएगा, इंटू 3-3 ऐसा भी काम नहीं चलेगा, तो फिर यहाँ पर इंटू 3 फिर इंटू 2 हो रहा है, 1 3 गुना बढ़ रहा है, फिर ये 2 गुना बढ़ रहा है, फिर आगे इस हिसाब से तो 2 3 2 फिर इंटू 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर अभी 3 हो रहा है, उसके बाद इंटू 2 हो रहा है वापस, तो ये सीरीज सही लग रही है, इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 2 फिर इंटू 3 इंटू 2 ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ तक तो सही था। फिर 36 इंटू 3 अगर आप करोगे तो 108, यहाँ तक भी सही है, और इसमें अगर आप इंटू 2 करोगे तो 216 आना चाहिए था, पर 212 आ रहा है, तो फिर बाकी की कोई भी सीरीज़ जो है वो जम नहीं रही है इस सीरीज़ में, तो यही हम सही पकड़ कर चलेंगे। तो 216 हो यहाँ पे होना चाहिए था, पर 212 है, तो फिर यही इसका इस सीरीज़ में रॉन्ग नंबर है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी 212, ये रॉन्ग नंबर हमें मिल गया। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही एकदम आसान सीरीज़ है, पर इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी बढ़ नहीं रहा, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला तो कैसे ही नहीं, क्योंकि नज़दीक नज़दीक के नंबर है, तो आप क्या कीजिए, डिफरेंस निकालेंगे, फिर क्या आएगा, डिफरेंस 3 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4 फिर 4 2 4 2 4, तो फिर यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, फिर यहाँ पर क्या होता, 5, तो फिर ये 4 गलत है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये सबके सब क्या है, प्राइम नंबर्स है, मीन्स ये प्राइम नंबर्स की सीरीज है, तो ये अगर आपके दिमाग में आ गया होता कि 7 11 13 17 19 और 23 ये सब प्राइम नंबर्स है एक के बाद एक, तो फिर आपको ये सब डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उतना 1 2 सेकंड आप बचा सकते थे, और कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी हो जाता है कि आखिरी सवाल का आप सही जवाब निकाल लेते हो, पर आप टिक करके सेव करते हो तब तक समय ख़त्म हो जाता है, तो फिर ऐसे वक्त आपको फ़ायदा मिलेगा इस तरह के प्रॉब्लम्स में 1 या 2 सेकंड बचाने से। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 11 13, और 7 से पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 5, तो डायरेक्ट सीधा 5 सही है, ये पकड़ कर चलिए, तो रॉन्ग नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब है। अब ये अगला वाला प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, 3 7 13, यहाँ पर भी कुछ भी अलग सा ही लग रहा है, तो फिर अगर डिफरेंस निकाले तो 4 फिर 6 फिर ये 8 फिर 10 होना चाहिए था, यहाँ पर वापस 8 है, फिर ये क्या हो रहा है, 7 और 1 फिर वापस 8 फिर ये 6 4 6 8 8 8 6, यहाँ पर कुछ भी हमें मिल नहीं रहा है,
तो फिर ये सीरीज गलत है। सब आठ आठ होते हैं या फिर चार छः आठ दस ऐसा होता है, तो फिर अगर यहाँ पर चार छः आठ है तो फिर इसके बाद भी आठ आता है, तो फिर यहाँ पे अगर 12 चाहिए तो फिर अगर 14 होता तो फिर ये सीरीज सही हो सकती थी, और यहाँ पर 16 होता तो, पर ये सीरीज़ गलत है। तो फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सबके सब प्राइम नंबर्स है। तो फिर इसमें क्या होता है, तीन के बाद तो पाँच आता है, पर यहाँ पर पाँच स्किप कर दिया है, सात लिया है। फिर सात के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 11। फिर 11 के बाद 13। तो अगर अल्टरनेट प्राइम नंबर्स की सीरीज़ अगर ले तो ये केस बन सकता है। तो फिर 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 17। फिर उसके बाद तो 19 आता है, पर यहाँ पर तो 21 है, तो क्या ये रॉन्ग नंबर है, आगे चेक करके देखना पड़ेगा। उसके बाद 23 आता है, 23 के बाद 29, तो यहाँ तक तो ठीक है। 29 के बाद 31, फिर 37, यहाँ पर ठीक है, फिर 41, फिर 43, मीन्स बिल्कुल सही बैठ रहा है। मीन्स यहाँ पर 19 होना चाहिए था। ये अल्टरनेट प्राइम नंबर्स की सीरीज़ है, ये मीन्स एक प्राइम नंबर छोड़ के उसके अगला प्राइम नंबर लिया गया है, तो इसमें 21 रॉन्ग है इस सीरीज़ में। तो इसका सही जवाब होगा बी, 21। अब ये अगला प्रॉब्लम देखिए, इसमें क्या हो रहा है, बहुत बड़ मार्जिन से बढ़ रहा है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन वाला केस है। फिर 6 से 5.5 कैसे करोगे आप, इंटू 1 माइनस 0.5। फिर आगे क्या होगा, इंटू 1 प्लस 4.5, नहीं इंटू 2 माइनस 1 अगर करोगे तो हो जाएगा। फिर आगे इंटू 3 1 2, फिर 3 इंटू 3 प्लस 8, नहीं गलत हो जाएगा। फिर इंटू 3 प्लस 3 माइनस 1 अगर करते हो आप तो 29 आएगा, तो 29 में अगर इंटू 4 माइनस 1 करते हो तो फिर ये तो 115 आएगा, पर यहाँ पर तो 300 है। मीन्स ये 1 2, उसके बाद 4 लेना पड़ेगा हमको, 10 इंटू 4 40, और उसमें से -2 हो रहा है, तो ये सीरीज़ भी ठीक लग रही है। 1 2 4, फिर उसके बाद क्या आएगा, 8, और फिर 16, और फिर ये 0.5, फिर 1, फिर 2, फिर उसके दुगना क्या होगा, 4, और फिर 8, ये ठीक लग रहा है। तो फिर क्या होगा, यहाँ तक तो ठीक था। 38 में अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 38 इंटू 8 अगर आप करोगे, 64, 24 और 4 30, 304, -4 मीन्स 300, यहाँ तक तो ठीक है। और फिर 300 इंटू 16 अगर करोगे तो फिर 0048, और उसमें से अगर 8 घटा दोगे तो फिर 4792, बिल्कुल ठीक। मीन्स यही इस सीरीज़ का पैटर्न है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि 1 2 4, और इसके बाद आपको 8 लेना है, 5 नहीं लेना है, 5 अगर लोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कोई भी नंबर रॉन्ग नहीं है इस सीरीज़ में, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। अब ये अगला वाला प्रॉब्लम देखिए, 75 75 81 75, इसमें तो आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा। तो फिर अगर आप ध्यान से देखें तो फिर ये बढ़ रहा है, मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन वाला ही केस होना चाहिए, पर ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंटू 3 से, फिर यहाँ पर इंटू 2 से बढ़ना चाहिए था, फिर यहाँ पर इंटू 1 पर, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस नहीं है। तो ये क्या होगा, डिफरेंस ही लेना पड़ेगा। फिर क्या आएगा, ये 0 6, फिर ये -6, फिर ये तो आगे तो कुछ
कुछ और ही आ रहा है। तो फिर अगर आप स्क्वायर या क्यूब के हिसाब से निकाले, तो मैंने आपको बताया ही था कि मैंने आखिर के प्रॉब्लम्स जो है वो टॉप रखे, तो फिर ये क्या हो सकता है, इंटू वन माइनस वन हो सकता है, पर इस हिसाब से आगे टू इंटू टू या फिर इंटू फोर ऐसा होगा नहीं है, तो ये वन स्क्वायर माइनस वन हो सकता है, पर वन स्क्वायर माइनस वन भी तो 74 होता है। फिर उसमें अगर ये नंबर गलत है तो फिर आगे इंटू वन स्क्वायर माइनस वन अगर लेकर चले तो फिर इंटू टू स्क्वायर माइनस वन, तो फिर ये भी तो नहीं मिल रहा है। तो फिर अगर हम माइनस वन स्क्वायर प्लस वन अगर करते तो फिर आपके दिमाग में आ जाएगा कि माइनस वन प्लस वन जीरो होता है। फिर आगे हम क्या करेंगे, प्लस टू स्क्वायर प्लस वन, फिर पाँच, पर यहाँ पर तो छः से बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि यह गलत नंबर हो। फिर थ्री स्क्वायर प्लस वन, फिर दस, तो ये भी तो नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या करोगे आप, ये माइनस वन स्क्वायर प्लस वन, फिर टू का क्यूब करके देख लीजिए, टू का क्यूब होता है एट, पर यहाँ तो छः ही डिफरेंस है, तो फिर टू क्यूब माइनस टू करके देखिए, फिर आगे क्या आएगा, यह माइनस प्लस, फिर वापस माइनस आएगा, फिर थ्री का एक का ये स्क्वायर है या क्यूब है ये हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर क्यूब है, तो अगर थ्री का क्यूब अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी तो छः का ही डिफरेंस है, पर यहाँ पर तो थ्री का क्यूब हम ले नहीं सकते, तो फिर स्क्वायर लेना पड़ेगा, और फिर प्लस माइनस, तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा वन टू, और फिर यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, थ्री लेना पड़ेगा। तो इस सीरीज से अगर देखें हम तो यहाँ तक तो ठीक था, माइनस नौ स्क्वायर प्लस तीन मीन्स माइनस छः, तो यहाँ तक भी ठीक है। फिर आगे क्या करना पड़ेगा, प्लस फोर स्क्वायर माइनस फोर, प्लस फोर क्यूब करना पड़ेगा क्योंकि टू का क्यूब किया है, तो ये क्या आ जाएगा, 64 माइनस फोर मीन्स 60, तो बिल्कुल ठीक 60, तो यहाँ पर भी मिल रहा है, मीन्स ये सीरीज सही है। फिर आगे क्या करना पड़ेगा, माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस फाइव, तो 25 प्लस चार माइनस 20, तो माइनस 20 अगर करोगे तो बिल्कुल ये भी ठीक, यहाँ तक सब ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 6 का क्यूब, फिर माइनस 6 करना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, फिर 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 6, फिर 210 इसमें अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, 210 अगर आप ऐड करोगे तो 023 और ये 5 मीन्स 325 आएगा, पर यहाँ पर 324 है, तो 324 इस सीरीज़ में रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ओके, और ये अगला प्रॉब्लम देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो एकदम हलवा प्रॉब्लम है, एकदम आसान, पर ये देखकर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसी ट्रिक है जो कि बच्चों को सबको पता तो होती है, पर वहाँ पर दिमाग की बत्ती जलना भी ज़रूरी है। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला केस तो लग नहीं रहा, तो फिर डिफरेंस ही निकालेंगे, फिर 3, 6, 7, 11 यहाँ पर भी तो कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर यहाँ पर 15, 16 फिर 30, 31 कुछ भी तो मिल नहीं रहा। तो फिर अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो रहा है, 4 + 7 = 11, 7 और 11 = 18, 11 और 18 = 29, 29 + 18 क्या होता है, 47 होता है, पर यहाँ पर 45 है, तो 47 + 29 अगर ये 76 होता है तो फिर ये सीरीज सही है, और 47 + 29
मीन्स 46 प्लस 30 कर दीजिए 76, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या रॉन्ग है, 45, तो इस सीरीज में रॉन्ग नंबर है 45। ये जो केस है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप एग्ज़ाम से पहले देख कर जाइए, नहीं तो आप एग्ज़ाम में एक नंबर खो दोगे और इस तरह के प्रॉब्लम को समय भी बर्बाद कर दोगे। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा नंबर सीरीज़ का, उसमें जो हाई लेवल के प्रॉब्लम्स है इन ये नंबर सीरीज़ के, जो कि मेंस के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैं लेकर आऊँगा, जो न्यू पैटर्न के हैं वो। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल स्टडी शॉप 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय।